हिंदुस्तान में जितना सारे फेक करेंसीज है उसमें 20% कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल. वी आर लिविंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट. वी हैव अ 2200 इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश. वी आर फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन. आज जो फेक करेंसी है ये फेक करेंसी सिर्फ एक आज पश्चिम बंगाल का बीमारी नहीं है. हिंदुस्तान में बहुत जगह में फेक करेंसी जो चल रहे हैं. आवर डेमोक्रेसी, आवर इकोनॉमी, आवर इंटीग्रिटी, आवर इंटरनल सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट. ये रुपया से बंगाल में तैयार नहीं होता, बांग्लादेश से आ रहे हैं और किसी भी एक एजेंसी का माध्यम से इसको बंद नहीं कर सकते. जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन जी बोले थे प्रधानमंत्री रहते हुए, जब माओइस्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल डेमोक्रेसी. और हम भी आज बोल रहे हैं जो आज changing of demography in the border states and this kind of fake currency, these Bangladeshi infiltrators, they are the biggest threat to India. Maniya Sri Samik Bhattacharya demand to check and curb the menace of fake Indian currency notes in the state of West Bengal. Maniya Upadhyaksh Mahoday, ye bahut gambhir vishay hai. Pichle do dashakon se Hindustan mein kisi bhi jagah koi fake currency pakda gaya, किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसका संबंध सीधा कालिया चौक मालदा का साथ जुड़े हुए होते. सर रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है. सारे हिंदुस्तान में जितना सारे फेक करेंसीज है उसमें 20% कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल. सर वी आर लिविंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट. वी हैव अ 2200 international border with Bangladesh. We are facing a silent demographic invasion. Please not only that, entire demographic design of West Bengal in the border areas have been totally changed. No cross talking, aap us baat kar rahe hain. Aaj jo fake currency hai ye fake currency sirf ek aaj Pashchim Bengal ka bimari nahi hai. Hindustan mein bahut jagah mein fake currency jo chal raha hai इसी का कारण आज पश्चिम बंगाल का माइग्रेंट लेबर भी खतरे में आ गए हैं. आवर डेमोक्रेसी, आवर इकोनॉमी, आवर इंटीग्रिटी, आवर इंटरनल सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट. सर गंभीरता से इस विषय को विचार करना चाहिए. मालदा, मुर्शिदाबाद और नोदिया, ये तीन जेलों में और नया शुरू हुआ बारासात बोलकर एक जगह है उत्तर 24 परगना. नॉट ओनली फेक करेंसी सर, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड. आप ये सारे सदनों में जो सदस्य बैठे हुए हैं सभी का स्टेट पास देखिए, सभी जगह पकड़ा जाता है. जो माइग्रेंट लेबर पहुंचता है बांग्लादेश से यहाँ, सर साइड जो लोग एक बार इस देश को नापाक बोलकर चले गए थे, जो ये डिमांड उठाते हैं जब माइनॉरिटी हैज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमको अलग स्टेट चाहिए. इसी का साथ जुड़े हुए हैं सर. ये रुपया से बंगाल में तैयार नहीं होता, बांग्लादेश से आ रहे हैं और किसी भी एक एजेंसी का माध्यम से इसको बंद नहीं कर सकते. अगर ये नहीं है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वेस्ट बंगाल पुलिस एक साथ काम करे, उसका साथ साथ सभी राजनीतिक दल सहमत हो और उसमें जनता का भीतर जागरूकता पैदा करे, तभी हम इसको रोक सकते हैं. और ये सीरियस थ्रेट है सर. जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन जी बोले थे प्रधानमंत्री रहते हुए, जब माओइस्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल डेमोक्रेसी. और हम भी आज बोल रहे हैं जो आज changing of demography in the border states and this kind of fake currency, these Bangladeshi infiltrators, they are the biggest threat to Indian challenges. Fake currency, please. Thank you.